नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7 सीटों पर जहां प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर शोर से अपने चुनावी प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही भारत आदिवासी पार्टी आरएलपी के साथ ही निर्दलीय भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज सबसे ज्यादा सचिन पायलट पर फोकस रहा। सचिन पायलट ने दौसा में हुई चुनावी सभा में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी फिर से सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। मौसम अब लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 48 घंटों में सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। वहीं करीब 1 दर्जन जिलों में दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई जिलों में दिन की तीखी धूप लोगों को जमकर सताती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है और अगले 72 घंटों तक मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह से मौसम बदलने के साथ ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत के 92 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार भारत को अपने घर में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। दिग्गजों से सजी भारतीय टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से करारी शिकस्त दी। भारत की करारी हार के बाद अब दिग्गज क्रिकेटरों के निशाने पर भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और रविंद्र सहवाग ने टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। 92 साल के इतिहास में पहली बार भारत को उसी के घर में किसी टीम ने क्लीन स्वीप किया है। हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला पुलिस पर कातिलाना हमले के मामले में कार्रवाई न करने और उल्टा पीड़ितों पर ही मुकदमा दर्ज करने के मामले में पीलीबंगा विधायक विनोद कोटवाल के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने आज हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और न्याय की मांग रखी। पीड़ित परिवार का कहना है कि लखासर गांव की उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसमें 2 जने अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस संबंध में गोलूवाला पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय उल्टा पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस पीड़ितों के ही परेशान कर रही है। राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिसका असर अब सीधा खींवसर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नागौर और सवाईमाधोपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा की उपस्थिति में नागौर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नागौर के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह चौधरी, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पूर्व सदस्यों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा के निशाने पर हनुमान बेनीवाल रहे। मिर्धा ने कहा कि इस बार खींवसर का परिणाम चौंकाने वाला होगा और बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। आरएलपी और कांग्रेस तो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए वह आरोप लगाते रहते हैं। वहीं सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, वह केवल आरोप लगाते हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने भी राइजिंग राजस्थान किया था, वह कहीं जाते ही नहीं थे, बाहर से उद्योग आए, ये बुराई किसे चले। वहीं भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की राह पर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रचार के दौरान कहा कि इस बार अगर खींवसर से चुनाव हार गई तो 20 साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा। खींवसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है। बेनीवाल ने कहा कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो मेरा 20 साल का संघर्ष चला जाएगा। लोग कहते हैं कि हनुमान 20 साल से लड़ा और अंत में खींवसर की सीट भी चली गई, इसलिए आप लोग ये सुनिश्चित कर लो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हो और 4 साल राजस्थान की सड़कों पर बजरी माफिया के खिलाफ लड़ता रहूं। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जहां पिछले 3 सालों से उठ रही है, तो वहीं बेरोजगार नेता मनोज मीणा अब एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। पिछले दिनों मनोज मीणा ने सरकार को 4 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर 4 नवंबर तक सरकार इस भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लेती है तो 5 नवंबर को आमरण अनशन पर बैठूंगा। मनोज मीणा का कहना है कि भर्ती में इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, जिनसे के चलते युवाओं में निराशा है। अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई का और इसी के चलते आमरण अनशन पर बैठूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता बीबी त्यागी ने सोमवार को
आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक दुर्गेश पाठक ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। बता दें कि बीबी त्यागी भाजपा से निगम पार्षद रह चुके हैं और लक्ष्मीनगर सीट से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सरकार की ओर से रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा किए हुए लगभग एक महीने का समय हो चुका है, लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसका नोटिफिकेशन नहीं भेजे जाने के चलते अभ्यर्थियों में अब काफी निराशा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि रीट पात्रता परीक्षा हुए लगभग 3 साल का समय हो गया है, ऐसे में युवाओं में निराशा बढ़ रही है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेते हुए रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा जाए। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से एक महीने पहले रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर घोषणा की गई थी। इसके साथ ही जनवरी के अंतिम पखवाड़े में रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन नवंबर का पहला सप्ताह निकलने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं जाने से अब अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति है कि आखिर परीक्षा कब आयोजित होगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।